मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान अपने द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। पत्रकार वार्ता में मंत्री मोहन यादव ने बताया कि उज्जैन के तारामंडल परिसर में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से विज्ञान पेरोटियम का निर्माण इस परिसर में 8.5 करोड़ की लागत से 4 के रिजोल्यूशन 3D थिएटर एवं 16 करोड़ की लागत के विज्ञान सब सेंटर स्थापित होगा, जिससे उज्जैन में साइंस टूरिज्म की संभावना बढ़ेगी। श्रीमंत विजय राधे सिंधिया स्टेडियम नानाखेड़ा के निर्माण की घोषणा भी की थी। इसका प्रस्ताव भी मंजूर हो गया है। 50 करोड़ की लागत से इसका निर्माण शीघ्र प्रारंभ होगा। न्यायालय हेतु एक और नवीन मार्ग जिसकी हमने घोषणा की थी, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। जिले के एथलेटिक्स हेतु श्री गुरुजी खेल प्रसार में 7.49 करोड़ की लागत से सिंथेटिक्स ट्रैक की स्वीकृति भारत सरकार खेल मंत्रालय से प्राप्त हो चुकी है, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। उज्जैन के विकास के लिए जो वादे किए गए थे उसको पूर्ण करने कराने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा आगामी प्रयास रहेगा कि स्वास्थ्य शिक्षा एवं उद्योग व रोजगार की दिशा में विकास को गति मिले। अभी हाल ही में प्रदेश के उद्योग मंत्री के साथ एक मुलाकात उज्जैन के औद्योगिक इकाइयों के प्रारंभ करने का प्रयास जारी है, जिसमें लगभग 10,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। ये तो इस टाइप से नहीं, इसका विषय दूसरा, बंद नहीं कर रहे हैं, संविलियन कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास 518 महाविद्यालय इस प्रदेश में है, उसमें से 90% से ज़्यादा छात्र संख्या 185 कॉलेज में ही है। अर्थात हमारे पास बहुत सारे कॉलेज ऐसे हो गए जहाँ 15-20-25 की संख्या है। आपकी जानकारी के मतलब एक कॉलेज में अगर हम सब प्राध्यापकों सबकी तनख्वाह जोड़ दें तो लगभग 10 से 15 लाख रुपए की पड़ती है। अर्थात एक साल में वो हमारी 1.5 से 2 करोड़ रुपए की उसमें, और 15 अगर बच्चे हैं तो एक एक बच्चे को 1.25 लाख रुपये का हमारा खर्चा लग रहा है। तो इसमें एक तरफ तो ये है कि 15-20 बच्चे हैं, और एक तरफ हमारे पास जैसे मंदसौर उज्जैन ऐसे कई कॉलेज है जहाँ छात्र संख्या 10-10 गुना ज़्यादा है। तो ये फैकल्टियों को, जैसे उदाहरण के लिए उज्जैन में कायथा में कॉलेज खुल गया, तराना में खुल गया, मक्सी में खुल गया, उज्जैन में है, तो साइंस के बच्चे हमारे 5-5 बच्चे भी नहीं पहुंचे। तो उसके बजाय वहाँ के जो कॉलेज है उसको पास के कॉलेज से सम्मिलन कराते हुए एक जगह पर हम सारी सुविधा दे करके बहु संकाय खोलेंगे, ताकि सब प्रकार के कोर्स खोल के उनको पढ़ाने के सर्व साधन उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें किसी को बंद करने की बात नहीं, लेकिन सुविधा बढ़ाने की बात है। अच्छी पढ़ाई और अच्छी व्यवस्था के लिए बच्चा 5-25 किलोमीटर दूर जाने को तैयार है, उसको मना नहीं है। तो इसी पे माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा में तय हुआ था, उसी निर्णय पर हम बढ़ रहे हैं कि हम अपने सभी महाविद्यालयों को रिव्यू कर रहे हैं। अभी 50 का या 15 का संख्या नहीं है, लेकिन ये मान के चलो कि उच्च शिक्षा विभाग अपनी गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई के लिए सब प्रकार के स्टेप उठाएगा।